ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर पे, पहली है विंड वेन। क्या है विंड वेन? हम पढ़ेंगे विंड वेन। हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज विंड वेन, कैसे बनता है और क्या इसका काम होता है। मेकिंग अ विंड वेन, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज आपको एक विंड वेन बनाने के लिए चाहिए। अ पीस ऑफ वुड विद अ होल इन द मिडल, एक पीस ऑफ एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर बीच में खोल हो। अ स्टिफ कार्डबोर्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, एक स्टिफ एक मजबूत कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो थोड़ा सा मजबूत और जो झेलने की चीज है क्षमता रखे। अ निटिंग नीडल, निटिंग नीडल आपने देखी होगी जिसको हम सलाई बोलते हैं, जिससे हम ऊन बुनते हैं और वो सारी चीजें, एक निटिंग नीडल। अ स्ट्रॉ, एक हमको स्ट्रॉ चाहिएगी। अ ट्यूब ऑफ एडहेसिव, हमको एक ग्लू चाहिएगा। अ कंपास, एक हमको कंपास चाहिएगा। अ पेयर ऑफ सीजर, हमको एक कैंची चाहिएगी। एंड डिस्कार्डेड पेन टॉप, और हमें जो पेन टॉप पेन का कैप है वो चाहिएगा, जिसका अभी हमारे पास में कोई काम बिल्कुल ना हो। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग विंड वेन, विंड वेन आपको बच्चों आना चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाउ टू मेक अ विंड वेन। ठीक है, कट द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ सीजर्स टू मेक एन एरो एंड अ टेक, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए और एक एरो हमको बनाना है विंड वेन का। कि सबसे पहले हमने एक एरो जैसा बना लिया विंड वेन की, विंड वेन के लिए कार्डबोर्ड का। ठीक है, हमने काट लिया उसको। देन कट स्लिट्स एट द एंड ऑफ कार्डबोर्ड, देन इक्वली टू द थिकनेस ऑफ द स्ट्रॉ, एंड देन कार्डबोर्ड पीस हैव टू बी इंसर्टेड एट द अपोजिट एंड ऑफ द स्ट्रॉ। अब क्या करना है हमको, वो स्ट्रॉ और जो कार्डबोर्ड हमने लगाया उसके अंदर बराबर एक खांचे जैसे हमको काटने, और उसके बाद में हमको क्या करना है, एक ऐसे हमको उसके स्ट्रॉ के आगे पीछे एंड्स पे इसको ऐसे फिक्स कर देना है। इसके बाद क्या, टेक नाइफ एंड ट्राई टू बैलेंस इट ऑन द स्ट्रॉ सो इट कुड फाइंड द बैलेंस ऑन द पॉइंट। फिर एक हमको नाइफ लेना है, नाइफ की मदद से हमको उसका बैलेंस चेक कर लेना है कि दोनों तरफ इसका बैलेंस जो है वो बराबर है कि नहीं, वो हमको पॉइंट निकाल लेना है। वंस यू हैव फाउंड द बैलेंस पॉइंट, जब आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाए स्ट्रॉ के ऊपर, फिक्स द पेन टॉप एंड द बैलेंस पॉइंट हेल्प्स। और फिर क्या करें, एक पेन टॉप के ऊपर उस बैलेंस पॉइंट को टिका दें, एक स्ट्रॉ जो लग गई है एक तरफ, ये एक तरफ, ये बैलेंस पॉइंट पे टिक गया, और पेन के उसके ऊपर टॉप के ऊपर उसको ऐसे अटका दें, और क्या करें उसके बाद में उसके अंदर ग्लू लगा दें ताकि वो परमानेंट उस पर चिपक जाए। अलाउ इट टू ड्राई, फिर उसको सूखने दें। नाउ इंसर्ट द निटिंग नीडल फ्रॉम द बिलो टू द होल ऑफ रेक्टेंगुलर, अब जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा लिया हमने उसके अंदर हमको एक होल करना है, और निटिंग नीडल से हमको होल करना है, और वो जो पेन है उसको हमें उसके अंदर फंसा देना, भले वो वुडन बेस हो, कुछ अच्छे मोटे कार्डबोर्ड का बेस हो, कैसा भी हम उसको उसके अंदर हमको अटका देना है। पुट द पेन टॉप ऑन द वायर, जो पेन है उसको वायर की मदद से हमको लगा देना है। नाउ मार्क, फिर हमको उसमें क्या करना है, नाउ मार्क, हमको उसमें मार्क करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑन द बेस। अब क्या है, हमको नीचे की तरफ जो हमने ऊपर बना लिया उसके बाद में नीचे की तरफ हमको क्या करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो है हमको डायरेक्शन मार्क कर लेनी है। ठीक है, नाउ योर विंड वेन इज रेडी। बेसिकली क्या है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हमको इसमें बताया गया है। एक हमको स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ के पीछे दो एरो जैसे चिपका देना है, उस स्ट्रॉ के अंदर हमको एक छेद करना है, उसके अंदर हमको उसको ऐसे सीधा लगा देना है एक कार्डबोर्ड के बेस के ऊपर, ताकि वो आसानी से घूम सके। नीचे हमको चार जगह डायरेक्शन मार्क कर देनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जैसे जैसे घूमेगा जिस भी डायरेक्शन में, एरो जिस तरफ जाएगा उससे हमको पता चल जाएगा कि हवा किस तरफ बह रही है। इतनी आसान सी चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, विंड वेन। विंड वेन क्या काम करता है, हवा की डायरेक्शन बताने का काम करता है। क्या करता है, हवा की डायरेक्शन बताने का काम करता है। सो टेक इट आउट एंड सेट विद द हेल्प ऑफ कंपास, इंश्योरिंग द नॉर्थ कंपास, वो वाला जिसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम देखते हैं, वो वाले कंपास की यहाँ पे बात हो रही है। टैली, फिर आप उसके अंदर देख लीजिए कंपास के हिसाब से कि जो हवा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। देयरफॉर व्हेन द विंड ब्लोस द वेन, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड, और जैसे जैसे हवा बहेगी हमको जो विंड की डायरेक्शन है वो आसानी से देखने को मिलेगी।
विंड वेन था ये हमने अच्छे से समझ लिया। विंड वेन का क्या काम है? हवा की डायरेक्शन बताना कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है। जो हम बात अब पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्केनो। क्या है वॉल्केनो? अब वॉल्केनो क्या होता है? अब वॉल्केनो इज अ वेंट। वेंट का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग। वेंट एसी वेंट आपने सुना होगा, हीटर वेंट आपने सुना होगा। वेंट का मतलब एक ओपनिंग, एक बड़ी जगह की छोटी ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम खिड़की भी बोल सकते हैं, किसी बॉटल की ओपनिंग भी हो सकती है, किसी भी चीज में से जिससे चीज बाहर बह सके उसको हम वेंट नाम दे देते हैं। अ वॉल्केनो वेंट ओपनिंग इन द अर्थ थ्रू विच द हॉट गैसेस एंड मोल्टन रॉक्स राइजेस टू द सरफेस। एक ऐसा वेंट, एक ऐसा ओपनिंग, एक ऐसी खिड़की जिसके अंदर से क्या बहुत गर्म गैसेस और मोल्टन रॉक्स, पिघले हुए पत्थर जो है अर्थ से बहकर बाहर आए, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? वॉल्केनो। क्या नाम दे देते हैं? वॉल्केनो। वोल्केनिक इरप्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन फ्रॉम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द वोल्केनो आर टू टाइप ऑफ एक्टिव एंड डोरमैट वोल्केनो। जो वोल्केनो है वो क्या होते हैं? ऐसे छेद होते हैं जिनके अंदर से लावा बह के बाहर निकलता है, और वो लावा बहने से क्या होता है, जो पहाड़ है वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के वोल्केनो होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और दूसरे डोरमैट। कौन से? एक एक्टिव, दूसरे डोरमैट। A volcano that is erupting called active volcano. एक ऐसा volcano, एक ऐसा ज्वालामुखी, हम इसको हिंदी में कहते हैं, एक ऐसी ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकती है। अभी वो फटने की कंडीशन में है कि उसमें से लावा बह के बाहर आ सकता है, या उसमें से गैसेस बार बार गर्म गर्म गैसेस बाहर बह के आती हैं। ऐसे को हम एक्टिव volcano बोलते हैं। volcano that have not erupted for very long period is called dormant volcano. और ऐसे वोल्केनो जो बहुत सालों से बंद है, उनके अंदर कुछ भी चेंजेस हम नहीं देखते, उसमें से ना गैसेस आती है ना उसमें से लावा कभी बहता है, ऐसी जो वोल्केनोस होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? डोरमेंट वोल्केनोस। ठीक है, अब बात आती है सुनामी की। किसकी? सुनामी की। अब व्हाट इज सुनामी? सुनामी इज जापानीज वर्ड मीनिंग टाइडल वेव। सुनामी का मतलब होता है टाइडल वेव्स। जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठकर आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वेव्स। जो बहुत ऊंची लहरें आती हैं उसको हम टाइडल वेव्स बोलते हैं। और ये अगर हम टाइडल वेव्स को जापानीज भाषा में अगर पढ़ें तो इन टाइडल वेव्स का नाम होता है सुनामी। क्या नाम होता है? सुनामी। अ टाइडल वेव इज लार्ज सी वेव कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्सप्लोजन। ये बड़ी बड़ी लहरें कब बन जाती है? ये बड़ी बड़ी लहरें तब बन जाती हैं जब समुद्र के नीचे कोई भूकंप आ जाए। हमको ऊपर तक तो पता चलेगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, वो गिरेगी नहीं। समुद्र के अंदर बहुत उथल पुथल हो जाती है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लग जाती हैं। इससे क्या होता है? टाइडल वेव्स होती है और सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया कि अर्थक्वेक हो समुद्र के नीचे। दूसरा, वोल्केनिक इरप्शन। कई बार किसी बड़े वोल्केनो के इरप्शन की वजह से भी क्या होता है? टाइडल वेव्स, ऊंची ऊंची लहरें जो है वो उठने लगती है। When floor of ocean is distorted, जब समुद्र की तलहटी, हर चीज का तला होता है, समुद्र भी कहीं नीचे जाके खत्म होता होगा जिसके ऊपर सारा पानी भरा हुआ है, तो समुद्र के एकदम डीप नीचे जो बेस है उसके अंदर जब डिस्टॉर्शन हो, डिस्टॉर्शन मतलब उथल पुथल होना, हिलना, बहुत ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस आना, अगर हम समझाएं तो बहुत ज्यादा जब डिस्टर्बेंस नीचे आने लगे तो क्या होता है? टाइडल वेव्स उठती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अ सेट ऑफ वेव्स फॉर्म। और वो लहरें क्या करती है? पहले उठती हैं, गिरती हैं, फिर वो और बड़ी हो जाती हैं, फिर और गिरती है, फिर और बड़ी हो जाती है। ऐसे एक सेट ऑफ वेव्स बना लेती है, एक ग्रुप ऑफ वेव्स है जो बहती हुई हमको नजर आती है। सुनामी मूव्स एंटायरली अक्रॉस द ओशन शोर। अब क्या होता है? ये क्या हुआ? पहले एक ऐसे लहर पानी में गिरी, फिर वो और बड़ी होके वापस से पानी में गिरी, फिर वो और बड़ी होके वापस से पानी में गिरी, और ये और बड़ी होके वापस से पानी में गिरी। ऐसे लहरें बड़ी होती जाती हैं। ये कब जाके खत्म होती है? जब इसको पानी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी, ये मान लीजिए पानी है, ये पानी में टकरा के वापस से बड़ी बन रही है क्योंकि पानी इसको और मिल रहा है। ये कब जाके खत्म होती है? जब ये सी शोर पे पहुंच जाती है। यानी सी शोर क्या? जो जिसको हम बीच कहते हैं, जब वो बीच पे आके, सी का किनारा,
नदी किनारे पे जब ये पहुंच जाती है जहां इनको पानी मिलना बंद हो जाता है, वहां पे जाके सीधी की सीधी इतनी बड़ी वेव आकर सीधे गिर जाती है और वहां पर ये बड़ी वेव खत्म हो जाती है। अ सुनामी कैन हैव वेव्स ऑफ 60 टू 120 मीटर हाई एंड स्पीड अप टू 800 किलोमीटर पर आवर। एक जो टाइडल वेव हो सकती है, जो एक सुनामी हो सकती है, वो 60 से लेके 120 मीटर ऊंची, 60 मीटर काफी ज्यादा लंबाई होती है, उसी लंबाई को आप ऊंचाई में मान लीजिए, 60 मीटर से लेके 120 मीटर तक की ऊंची हो सकती है और 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है सुनामी वेव्स आगे बह सकती हैं। सोचिए हम 100 की स्पीड पे जब हम कार चलती है या 110-120 की स्पीड पे कार चलती है तो कितनी तेज जाती है, अब उसी को आप 8 टाइम्स कर लीजिए 8 गुना कर लीजिए, उतनी स्पीड से जो है ये सुनामी वेव्स ट्रैवल करती है। सुनामी हैव डिस्ट्रॉयड एंटायर टाउन एंड किल्ड लैक्स ऑफ पीपल इन पास्ट ईयर। सुनामी की वजह से लाखों लोग मर गए और बहुत बड़ी बड़ी जगह तहस नहस हो गई। ग्लिम्स ऑफ चैप्टर, हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, ये छोटा सा हमको रिविजन दिखाता है। अर्थक्विक, साइक्लोन, हरिकेन, विंड, ये चार चीजें हमने पढ़ी। ये आप देखिएगा, ये जो एक्सरसाइज दे रखी है अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप आसानी से इसको पूरा कर पाएंगे, और ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर आप रीड करेंगे जरूर। ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत है, इससे क्या होगा जो जो चीजें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।